Hello all, this is Sannvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि 3 अगस्त 2021 के लिए यानी कि कल के दिन के लिए है। कल का दिन ट्यूसडे का दिन है, तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। एंजल्स डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं कल के दिन। कल के दिन की एनर्जी किस तरह की होगी, कल के दिन के चैलेंजेस किस तरह के होंगे, लेट्स सी। तो यहाँ पर पहला कार्ड आप लोगों के लिए है, सक्सेस का कार्ड है। ग्रेट, बहुत अच्छा कार्ड निकल कर आया है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज सरेंडर का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज हेल्थ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डिनायल का कार्ड है। ओके, लेट्स सी विद दिस डेक कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन के क्या चैलेंजेस होने वाले हैं, कल के दिन आपको किन चैलेंजेस को पूरा करना है, लेट्स सी। तो पहला कार्ड आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज टोटैलिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज करेज का कार्ड है। वन मोर कार्ड आई गॉट इट, लेट द डेक एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फाइटिंग का कार्ड है यहाँ पर। तो कल की एनर्जीज बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं आपके लिए। यहाँ पर हेल्थ का कार्ड है, ये कार्ड ये इंडिकेट करता है कि कल के दिन आपका जो मेजर फोकस है वो आपकी हेल्थ होना चाहिए। ठीक है, आपको अपनी बॉडी की तरफ कल के दिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अगर किसी ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी को गो थ्रू करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। अगर आप कल के दिन ये चीज़ प्लान करें कि आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको अपने जीने के तरीके में कुछ बदलाव लाना है, तो वो कल के दिन से आप उस प्लानिंग को कर सकते हैं। कल का दिन वैसे भी आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी लेकर आ रहा है। आप ये चीज़ सोचेंगे कि बहुत हो चुका, जिस तरह की ज़िंदगी आप जी रहे हैं अब आपको बदलने की ज़रूरत है। तो आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जीज़ के अंदर एंटर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अच्छी एनर्जीज़ हैं, नो डाउट। और कल के दिन आप अपनी प्रेजेंट की सिचुएशन को अपने पास्ट की सिचुएशन से कंपेयर करेंगे और उसके बाद आप डिसीजन बनाएंगे कि आप अगली एनर्जीज में जाना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर सक्सेस का कार्ड है और टोटैलिटी का कार्ड है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आपको पीछे बांधे हुए थी, आप आगे की तरफ को मूव नहीं कर पा रहे थे। पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको आपकी पोजीशन में आगे ग्रोथ नहीं दे रही थी, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे करियर है, फाइनेंस है, जिस भी फील्ड के अंदर आप इस सक्सेस की एनर्जी को चाहते हैं, अपनी लाइफ के अंदर चाहते हैं, उस फील्ड में आपको सक्सेस मिल नहीं रही थी क्योंकि जो हालात थे वो आपको आगे की तरफ को बढ़ने नहीं दे रहे थे। लेकिन कल आप इन हालातों से बाहर निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कल की एनर्जी बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है। कल आप बहुत कुछ हासिल करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जिस भी फील्ड में आप इस सक्सेस को चाहते हैं कल वो सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो द अदर कार्ड फॉर यू इज सरेंडर का कार्ड है विद करेज का कार्ड है। कल के दिन आप चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिएगा। आप अपना जहाँ कंट्रोल लूज करेंगे, चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग बनाने की बजाय उन्हें गो विद द फ्लो की एनर्जी देंगे, डिवाइन के सामने सरेंडर कर देंगे। आप चीज़ों को अपने हिसाब से करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब आपको एक ये जो सक्सेस है उसे एंजॉय करने का मौका मिलेगा। कल के दिन हिम्मत से काम लेना है, अपने अंदर की जो इनर स्ट्रेंथ है उसे पहचानने की कोशिश कीजिए। कल के दिन आपके सामने अगर कोई भी ऐसा सर्कमस्टांस आता है जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि मुझे मेरा स्टैंड लेने की ज़रूरत है, तो कल के दिन वो ज़रूर लीजिएगा, लेकिन चीज़ों को अपने तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है आपको। चीज़ें कल के दिन खुद ब खुद होंगी, लेकिन अगर आप कंट्रोल रिलीज नहीं करेंगे तो अपने अकॉर्डिंग बनाने के चक्कर में जो आपकी एक्चुअल एनर्जी है, जो एग्जैक्ट एनर्जी आपके लिए होनी चाहिए, आप उस एनर्जी को कहीं ना कहीं मिस कर देंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर डिनायल का कार्ड है एंड फाइटिंग का कार्ड है। कल के दिन अगर कोई सामने से आपसे लड़ने की कोशिश करता है या आपके एक्सप्रेशन को दबाने की कोशिश करता है। जैसे कि आप कुछ कहना चाहते हैं, दूसरा पर्सन आपको कुछ बोलने नहीं दे रहा है। अगर इस तरह की आप एनर्जी को विटनेस करते हैं तो आई वुड रियली टेल यू कि आप अपने डर को सामने मत लेकर आइएगा। आपको दूसरे पर्सन की पर्सनालिटी से डर लग रहा है, ये चीज़ दूसरे पर्सन को नहीं पता लगनी चाहिए, बल्कि आप किसी भी लेवल पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हो सकता है ये जो पर्सन हो इसकी पर्सनालिटी से डेफिनेटली आपको डर लगे कि कोई आपको धमकी दे सकता है, कोई पर्सन आपको हार्म करने की कोशिश कर सकता है, वो आपको कुछ ऐसी वर्डिंग्स बोल सकता है। तो आपको सामने से लड़ना नहीं है, बल्कि उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना है, एक डिनायल मोड पर चलना है, फाइट नहीं करनी है, अपने अंदर से दूसरे की एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करना है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कल का दिन ओवरऑल एक अच्छी एनर्जी के साथ एक दिन की शुरुआत होगी आपकी। और कल का दिन ट्यूसडे का दिन है, हनुमान जी का दिन है। कल के दिन हनुमान जी की आराधना कीजिए, उनके मंदिर में जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिए। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं तो कल के दिन संकल्प ले लीजिए कि आप अपनी हेल्थ के लिए पाठ करने जा रहे हैं। 11 हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और आप देखिए आपकी हेल्थ में किस तरह के बदलाव आएंगे। ओके, द नेक्स्ट थिंग फॉर यू इज कल के दिन आप किसी लाल चीज़ का दान कीजिए, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कल के दिन अगर ट्रैवलिंग आप अवॉइड कर सकें तो वो ज़्यादा अच्छा है। कल के दिन नॉनवेज का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, अल्कोहल नहीं लेना है। कल के दिन आप गुड़ किसी लाल कलर की जो गाय हैं उसको खिलाएं, वो भी आपके फाइनेंसेस में इंक्रीमेंट देगा। कल के दिन अगर आप कोई ज़मीन लेना चाहते हैं, कल के दिन मत फाइनलाइज कीजिएगा उसको, मतलब पूरी पेमेंट कल के दिन पर आपको नहीं करनी है, थोड़ा सा रुक कर कीजिएगा। ओके, और यहाँ पर ये जो सक्सेस है ये सिर्फ कल के दिन की एनर्जी में नहीं है, आने वाले दिनों की एनर्जी में ये सक्सेस की एनर्जी बहुत ही प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है। तो इस एनर्जी को सेटल होने दीजिए और फिर इस एनर्जी को एक्सपीरियंस करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, और यहाँ पर एक और बहुत प्रोमिनेंट चीज़, कल के दिन पर आप अगर अपने कोई भी ऐसे नग हैं जो आपने अपने घर में रखे हुए हैं, मीन्स कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई पंडित जी बोल देते हैं कि आप ये वाला नग डाल लीजिए और आपको वो सूट नहीं बैठता है और आपने उसे घर में कलेक्ट कर रखा है, तो उन नगों को कल के दिन जल प्रवाह कर दीजिए। आपकी सक्सेस में वो रुकावट दे रहे हैं, ये इंट्यूटिवली मुझे ये चीज़ आई है, तो ये मैं आप तक मैसेज पहुंचा रही हूँ। ये आपके जो भी एंजल्स एंड सिस्टर्स हैं वो गाइडेंस दे रहे हैं, वो गाइडेंस मैंने आप तक पहुंचाई है। ज़रूर आपके घर में कोई ना कोई नग, कोई ना कोई ऐसे आपने इकट्ठा कुछ कर रखा है, उसे कल के दिन पर जल प्रवाह कर दीजिए। ओके, सो आई होप यू कैन चैनलाइज दीज एनर्जीज इन अ बेटर वे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।